तो देखिए आज हम लाए हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस आप पूछोगे क्या होता है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस थोड़ा आपको नाम से ही पता लग रहा होगा, इलेक्ट्रिक सा तो आप फेस हो जाएंगे। जब इलेक्ट्रिसिटी पानी में जाती है वायर के थ्रू और क्रोकोडाइल क्रम्स के थ्रू, जब पानी में जाती है इन रॉड की मदद से, इन दोनों रॉड की मदद से, ये ग्रेफाइट की बनी है, जब ये पानी में जाती हैं तो वाटर का डिकम्पोजिशन होता है। अब आप पूछोगे डिकम्पोजिशन क्या होता है, तो डिकम्पोजिशन होता है मतलब हम पानी में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग कर रहे हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में पानी में दो मिली होती है, इसलिए हम उसको अलग कर रहे हैं। तो कैसे अलग कर रहे हैं, तो आपको इसके लिए टॉर्च चाहिए, कोई सी भी टॉर्च। तो आपको ये थोड़ा मैं ये दिख रहा होगा आपको, हाँ अब दिख रहा होगा कि इसमें से बबल्स ऊपर आ रहे हैं और जो ये वाली है इसमें से नहीं आ रहे बिल्कुल भी। तो ये जो बबल्स हैं जिसमें ज्यादा आ रहे हैं वो है कैथोड और जिसमें कम आ रहे हैं वो है एनोड, क्योंकि जिसमें ज्यादा आ रहे हैं उसमें हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं और जिसमें कम है उसमें ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल आ रहे हैं, और जिसमें मतलब कैथोड में आपको आप कैसे बता सकते हैं ये कैथोड है और ये एनोड है। तो कैथोड में हमने नेगेटिव, ये देखिए नेगेटिव वायर लगाई है और एनोड में हमने पॉजिटिव वायर लगाई है, ठीक है। तो वाटर का डिकम्पोज हो रहा है तो हाइड्रोजन भी अलग हो रही है, ऑक्सीजन भी अलग हो रही है। तो जो हाइड्रोजन अलग हो रही है उसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से ट्वाइस होंगे, मतलब डबल होंगे, ठीक है। और जो वाटर है ये पूरे सर्किट को पूरा कर रहा है, अगर आप वाटर निकाल देंगे तो उसकी फिर ये काम नहीं करेगा, ठीक है। और इसमें बबल्स इसीलिए वजह से आ रहे हैं क्योंकि हमने सल्फरिक एसिड मिला दिया ना इसमें, इसीलिए बबल्स आ रहे हैं। तो आप, मैंने पहले बताया नहीं आप बना कैसे सकते हैं इसको, तो आप बना सकते हैं। इसके लिए चाहिए एक 9 वोल्ट की बैटरी और वायर्स, ये वायर्स है ना, और आपको चाहिए क्रोकोडाइल क्रम, ये चिमटी की तरह होते हैं, और दो ग्रेफाइट की रॉड, और आपको चाहिए कंटेनर और थोड़ा सल्फेरिक एसिड, 2-3 बूंद चाहिए, ज्यादा नहीं डालना फिर ना अपना प्रोजेक्ट काम नहीं करेगा, अपना जो एक्सपेरिमेंट है वो काम नहीं करेगा। तो सल्फ्यूरिक एसिड आपको कोई भी फार्मेसी की दुकान से मिल सकता है, और बस इतना ही। थैंक यू।